सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के हम बात कर रहे हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF की नई भर्ती 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, CRPF रैली नई भर्ती 2022 की नई नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है, आ चुकी है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट, कैसे इसको अप्लाई करना पड़ेगा, कब से लास्ट डेट है, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय लेते हुए। अगर आप वीडियो को देख रहे तो 1000 प्लस लाइक का टारगेट, 100 प्लस शेयर का टारगेट है, तो जल्दी से पूरा कर देना। सो गाइस, CRPF ओपन रैली न्यू रिक्वायरमेंट जो है आ चुके हैं। इसके सबसे पहले डिटेल्स आपको जो है वो हम आपको बता दें। सबसे पहले डिटेल्स की बात किया पर तो टोटल फोर्स जो है वो नॉट मेंशन है। जो भी क्वालिफाई करेंगे फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न, उन सारे बच्चों का इसके अंदर आपको जो है वो जॉब मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड नेम यानी कि CRPF होने वाली है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होगी। वैकेंसी की बात करें तो ओपन रैली भर्ती है पूरे ऑल इंडिया के लिए। जॉब कैटेगरी डिफेंस के जॉब आपको देखने को मिलेगा। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर आपको कहीं पर भी जॉब प्रोवाइड की जाएगी। जहाँ जहाँ CRPF की जहाँ जहाँ आपको जॉब मिलती है, मेनली जो है मुख्यतः आपको जो है वो आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन जहाँ पर उतरती है यानी कि एयरपोर्ट पे आपको जॉब देखने को मिलेगा मेनली। हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत के बच्चे इसके अंदर अप्लाई करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया होने वाले हैं, पूरे भारत के अंदर आप कहीं पर भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। जेंडर की बात करें तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, वो भी अनमैरिड होना चाहिए। रैली जो स्टार्ट है कैसे है ये सारा कुछ मैं आपको नीचे आपको बताऊंगा। एप्लीकेशन मोड सबसे पहले आपको बता दें, ऑनलाइन रखेंगे, अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल से आवेदन करोगे तो आपका 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें आप, आपको मात्र 100 रुपया पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट्स हो तो। वहीं SC ST हो तो कोई फ़ी चार्ज आपसे नहीं ली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जीरो है यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ST ST SC वालों के लिए। पेमेंट मोड आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंक, ये सारा कुछ जो है फ़ी पेमेंट मोड रखी गई। आप इसके थ्रू और भी बहुत सारे हैं तो उनके थ्रू भी कर सकते हो। इसके अंदर जो यहाँ पर जो है मेन इंपॉर्टेंट है वो एज लिमिट, आपसे कितना एज लिमिट मांगी जा रही है। तो मिनिमम आपका एज लिमिट जो होना चाहिए वो 17 यानी कि 17 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम की बात करें तो 25 साल। अगर आप 17 से 25 के बीच बिलोंग्स करो या फिर इस एज से हो या फिर इस एज के अंदर हो तो बिल्कुल यहाँ पर आवेदन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, और भी डिटेल्स यहाँ पर रीड कर सकते हो। इसके अंदर आपको एज रिलेक्शन भी मिलेगा अगर आप 25 से एवव हो चुके तो। इसके अंदर जो आपको सैलरी मिलेगी वो 41,700 से पर मंथ आपको स्टार्टिंग है और 69,100 रुपया पर मंथ तक आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो आपको जो चाहिए वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर होना चाहिए आपका ओनली फॉर 10th पास। अगर आप 10वीं पास हो, किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्कूल से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी कॉलेज से हो, कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। हर एक सब्जेक्ट में आपको जो चाहिए वो 30 मार्क्स अप्रॉक्स चाहिए ही चाहिए इसके अंदर, तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 10वीं के अंदर 30 नंबर अगर आप लाते हो हर एक सब्जेक्ट के अंदर तो यहाँ पर बिल्कुल आवेदन कर देना। इसके अंदर जो चाहिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट ओनली फॉर मेल के लिए 1.65 सेंटीमीटर चाहिए, अगर आप नॉर्थ जोन से हैं तो 1.60। वही चेस्ट की बात करें 70 से 75 सेंटीमीटर ऑल के लिए। इसके अंदर जो है ST ST हो या फिर OBC हो, जनरल हो, सारे बच्चों के लिए 70 से 75 आपको चेस्ट लगानी ही पड़ेगी। बात करते हैं रनिंग टेस्ट के बारे में तो 1.6 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा, वो भी कितना मिनट में, 7 मिनट के अंदर, ओनली फॉर यहाँ पर पास है। पुशअप जो है वो 10 आपको मिनिमम जो है वो लगानी पड़ेगी पासिंग के लिए, स्क्वाट 20। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होने वाली, सबसे पहले फिजिकल होगी, उसके बाद मेडिकल होगी, रिटर्न टेस्ट होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट और उसके बाद मेरिट लिस्ट, यानी कि 6 तरीके से जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन इसके अंदर होगी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें आपको इसके अंदर अगर फॉर्म अप्लाई करते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो फोटो एंड सिग्नेचर, लाइफ का बैकग्राउंड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड में से किसी एक आपको ID प्रूफ लगानी पड़ेगी। कैसे इसके अंदर अप्लाई करना, हॉट अप्लाई करके दिया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में। कब से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है तो 21 जुलाई 2022 से फॉर्म जो वो स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया गया, बहुत सारे बच्चों का अप्लाई हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट की बात करें तो 31 जुलाई 2022 यानी कि 21 से 31 जुलाई 2022 तक यहाँ पर आवेदन चलेगी। इसके अंदर आवेदन कहाँ से करना, तो अप्लाई ऑनलाइन यहीं से होगी, लिंक यहाँ पर दिया गया, एप्लीकेशन ऑनलाइन का डाउनलोड नोटिफिकेशन भी यहीं से होगी, ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पर दिया गया, तो इस वेबसाइट का कोई लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा या फिर गूगल पे भी सर्च करके चले जा सकते हो, sarkari.government.vacancy.com। पूरी डिटेल के साथ अप्लाई कर लेना, पहले रीड कर लेना उसके बाद अप्लाई कर लेना, अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, आत्मनुसार तो जय हिंद जय भारत।